आइए मैं चार पंक्तियों से पहले कविता के पुष्प को आपके समर्पित आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। चार पंक्तियां कि जिस दिन से पढ़ गया हूं एक शादीशुदा का दर्द, यानी कि उमेश भाई आपका दर्द, कि जिस दिन से पड़ गए हैं शादी के झमेले में, बुरा मत मानना यार, और मान भी जाओगे तो क्या कर लोगे, मुझे फिर मत बुलाना भैया और क्या, और जो कुछ बदला लोगे तो इनसे लेना मुफत लाल जी से, कि जिस दिन से पड़ गए हैं शादी के झमेले में उस दिन से रो रहे हैं किस्मत पे अकेले में। ताली तो चौथी पंक्ति पे बजाना, कि जिस दिन से पड़ गए हैं शादी के झमेले में उस दिन से रो रहे हैं किस्मत पे अकेले में, ओ भाभी हमारी देखो एसी में सो रही है, भैया मेरे पड़े हैं भैंसों के तवेले में। देखा मजा आया ये, बस अगर इसी बात को अपन अगर हिंदी में कहें तो कैसे कहेंगे, कि जब से हुई है शादी याने पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम हो। भाई साहब पंडित जी धोती नीची कर लो, नहीं ऐसे कोई चलता है तो मुझे डर लगता है, पंडित जी ऐसे धोती पकड़ के चल रहे थे, अगर पंडित धोती उठा ले तो समझ लो कि कोई खतरा होने वाला है। ताली बजाओ पंडित जी के सम्मान में एक बार, कि जब से हुई है शादी याने पूरी बर्बादी, आओ आप लोग टाइम से आ गए, हम ही जल्दी शुरू हो गए, कि जब से हुई है शादी याने पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया, घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं आदमी में खास था पर आम होके रह गया, और रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जुर का गुलाम होके रह गया, और घर वाली मेरी मुन्नी की दारा से नचती है और संतोष सागर झंडूबाम होके रह गया। ताली जोर से बजाओ यार, तुम्हें ताली बजाना सिखाना पड़ेगा। तो आइए मैं एक पहला कवि हास्य व्यंग का, जो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में हमारे दाता यहाँ पर उपस्थित हैं, दाता दीवाना, हालांकि बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे व्यंगकार हैं, हास्य व्यंग के बड़े कवि हैं, मैं आपकी जोरदार तालियों से उनको यहाँ आमंत्रित कर, तालियां जरा जोरदार बजाएं। कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं, मुझे बहुत सम्मान के साथ उठाया हमारे संतोष जी ने, भगवान भी उन्हें सम्मान के साथ उठा ले। बहुत बढ़िया, नहीं वो किसी और प्रकार से भी उठा सकते थे, वो देश के बड़े संचालक हैं, बड़े संस्कारी हैं, मैं बताता हूँ किस प्रकार का संस्कार है उनमें, तो बड़े संस्कारी हैं, जब किसी मंदिर जाते हैं जूता उतार लेते हैं, किसी मस्जिद जाते हैं जूता उतार लेते हैं, किसी गिरजाघर जाते हैं जूता उतार लेते हैं, किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं जूता उतार लेते हैं, और मैं भी जब इनके सामने आता हूँ तो जूता उतार लेते हैं। बाबा बहुत अच्छा, क्या बात है, वो बात इनका उद्देश्य अलग होता है, अभी वो जूता उतार के बैठे हैं तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। वैसे श्रोता भी सब जूते ही उतार के बैठे हैं। हाँ। खैर ये और ये ब्रज वाले हैं, कब चला दे कोई भरोसा नहीं है। खैर ये योगी जी का प्रदेश है, अब सुरक्षा बढ़ चुकी है तो हर आदमी यहाँ सुरक्षित है। कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं, बहुत अच्छा, यहाँ तो फिर भी मेरा इतना सम्मान है, मैं अपने घर में अपनी स्थिति बताता हूँ वफा जी, मैं अपने घर में अपनी स्थिति बताता हूँ कि जब कोई कचरा वाला गाड़ी आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मुझे निकाल देते हैं, ये मेरे घर का, ये हमारे घर का कचरा है ले जाओ। जब कोई कबाड़ी वाला आता है मेरे पिताजी मुझे सौंप देते हैं, ये तो मेरे घर की स्थिति है। कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं, माइक वाले ने माइक बहुत अच्छे से सेट किया है, भगवान उसके लिए भी किसी को सेट करे। वाह, वो खुश हो गया, वो खुश हो गया बेचारा, देख वाह। अच्छा मैं भी पहले माइक वाला था, मैं बताऊं मफत जी, मैं भी पहले माइक वाला था, मैंने एक कार्यक्रम में माइक सेट किया, वो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का था, मैंने जिस कार्यक्रम में माइक सेट किया था उसी माइक से प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, उसी दिन से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। वाह, और इससे बुरे दिन और क्या आज आ सकते हैं कि मैं मुफ्त का काम कर रहा हूँ।
मुफ्त कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं। मुफ्त जी बैठे, आपकी तालियां कमजोर तालियों के बीच मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मैं पहला कवि हूं, मैं छत्तीसगढ़ से बहुत दूर से यात्रा करके आया हूं, आपकी तालियां देखना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं। मुफ्त जी बैठे हैं जी, स्वागत। मुफ्त लाल जी अरे यार, ये मुफ्त लाल नहीं है, मफत लाल है, इनका नाम ही बिगाड़ दिया भाई। और अगर तुमने बार बार मुफ्त कहा तो बेटा तेरा लिफाफा गायब हो जाएगा। नहीं लिफाफा जी स्वागत। मुफ्त लाल जी बैठे हैं, बड़े ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। ये बड़े ही साहित्य प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी हैं। ये कविता के लिए बहुत ही समर्पित रहते हैं। ये बड़े विद्वान हैं, बड़े महान हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े चरित्रवान हैं, बड़े धैर्यवान हैं, बड़े धनवान हैं और बड़े शक्तिमान हैं। बस इतना ही रट के आया था आपके लिए, इससे ज़्यादा और बोल नहीं सकता। तो बेटा कुछ भी बोल ले, तेरे 500 रुपये नहीं बढ़ेंगे। ये बड़े शक्तिमान हैं और यहाँ पर इन्होंने तमराज किल्विस को बिठा रखता है और एक की जगह दो दो गीता विश्वास को फंसा रखा है कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं। मैं इस पंक्ति को पूरी करना चाहता हूं और मैं आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि मुझे सबकी दुआएं मिले कि मैं कुछ ऐसी पहल कर दूं। मैं इस से जरूर हारा हूं मगर आप सबकी मोहब्बत मुकम्मल कर दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें ताली बजाने वाली कोई बात ही नहीं थी, आपको समझना था कि ये दीवाना अपनी मोहब्बत मुकम्मल नहीं कर पा रहा है, आप लोग की क्या करेगा। स्थिति तो ऐसी बन गई है। ये अग्रवाल जी हैं, हमेशा आगे रहते हैं, अग्रणी अग्रण्य महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं अग्रवाल। हमारे देश में अग्रवाल सबसे आगे होते हैं। आगे इसलिए होते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनके पास पैसा ज़्यादा होता है इसलिए आगे होते हैं, हमारे पास पैसा कम है इसलिए हम पीछे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, अग्रवाल ये इसलिए जिनके आगे के बाल पूरे हों वो अग्रवाल और जिनके सफाचंड वो पालीवाल। पैसे वालों के पीछे सब पड़े हुए हैं आजकल, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, पैसे वालों के पीछे सब पड़े हुए हैं। भाई साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए। लड़के सब मोबाइल चला रहे हैं, ये लड़के तो बड़े स्मार्ट हैं। जब से स्मार्ट फोन आया है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, ये लड़के बड़े स्मार्ट हो गए हैं। ये तो चैटिंग पे ही बैटिंग कर लेते हैं, बिना सेटिंग के ही डेटिंग कर लेते हैं। ये मोबाइल की साधना में लगे हुए हैं। इधर हास्य श्रृंगार और रोज के कवि होते हैं तो ये वो खोज के कवि होते हैं। हम साहित्य साधक हैं तो ये मोबाइल साधक हैं। ये कैसी साधना करता है मैं आपको बताता हूँ कि बड़े साधक हैं ये लड़के जो अनुसंधान करते हैं। चार पंक्तियां रखता हूँ लड़कों के चरित्र चित्रण के लिए कि बड़े साधक हैं ये लड़के जो अनुसंधान करते हैं। सुबह से शाम तक ये लड़कियों का ध्यान करते हैं। इन्हें लगता है ये छोरी पटा लेंगे ये चुटकी में जो अक्सर 10 दिनों में एक बार स्नान करते। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह। ये तो लड़कियों से ज्यादा मेकअप करते हैं, वाह। और टिप टॉप होके निकलते हैं, जैसे इन्हें लगता है कि ये सकल सकल देख के लड़कियां पड़ जाएंगी। सकल देख के लड़कियां नहीं पड़ती भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना, पैसा देखकर पड़ती है, पैसा भी सेकेंडरी है, मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए मैं चार पंक्तियां देकर आपको बताना चाहता हूँ। जी स्वागत। कि ना ही वसल देख कर ना ही शक्ल देख कर कौन करता है प्यार हमारी अक्ल देख कर। ना ही वसल देख कर ना ही शक्ल देख कर कौन करता है प्यार हमारी अक्ल देख कर। दुम हिलाता है तो वफादार ही होगा, दुम हिलाता है तो वफादार ही होगा, लड़की देती है दिल हमारी नस्ल देख कर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह। ये योग्यता होनी चाहिए भाई, वाह। लड़कों को भ्रम हो चुका है। मैं बता रहा था कि अग्रवाल हमारे देश में सबसे आगे होते हैं, इसलिए आगे होते हैं क्योंकि इनके पास पैसा होता है। पैसों वाला के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। अभी सोशल मीडिया उठाकर देखिए, हमारे देश में हर दिन लाखों शादियां हो रही हैं लेकिन सोशल मीडिया पे एक ही शादी ट्रेंड चल रही है, अनंत अंबानी, क्योंकि वो पैसा वाला है। मैं बता रहा हूँ, नुक्कड़ का एक लड़का अपनी बुआ का नाम नहीं जानता लेकिन वो अनंत अंबानी की सास और ससुर का नाम जरूर जानता है। आपकी तालियां कमजोर है। मैं बता रहा था कि
कि पैसों वाले के पीछे सब पड़े हुए हैं। संसद भवन में आप देखिए देश के तमाम मुद्दे को छोड़कर अडानी और अंबानी की बातें की जाती है। एक नेता तो हाथ धोकर नहीं पूरे नहा धोकर उसके पीछे पड़ा रहता क्या है, बात है भाई। लेकिन पैसा पैसा से आप सामान खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, ऐसो आराम खरीद सकते हैं, लेकिन एक चीज खरीदी नहीं जा सकती, वो है चरित्र। एक हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन तमाम बड़ी हस्तियां उनके दर्शन के लिए आतुर रहती हैं। उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, मैं दो पंक्तियां उनके लिए कहना चाहता हूं कि जिनका मन माया से मुक्त हो उनको तन की क्या जरूरत, जिनका मन माया से मुक्त हो उनको तन की क्या जरूरत, और जिन पर हो कृपा राधिका रानी की उनको धन की क्या जरूरत। वाह 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 वाह, क्या जरूरत। बस मैं इतना ही ज्ञान दे सकता था, यहाँ बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बाबा बैठे हुए हैं, यहाँ आकर आपको ज्ञान देंगे। मैं फिर से अपने औकात में आता हूँ। जी जी, अभी तो अमीर बनाने के बहुत से ट्रेंड चल रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा। मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अब ये अलग प्रकार के अफीम चाट के बैठे होते हैं भाई साहब, सुनिएगा, ये अलग प्रकार के अफीम चाट के बैठे होते हैं। ये आपको सपनों की उस दुनिया में ले जाएंगे जिस दुनिया की रचना अभी तक ब्रह्मा जी ने भी नहीं की। आपको वो पहले आपको एक ही महीने में करोड़पति बना देंगे, दूसरे महीने में आपके पास कारों की लाइन होगी, तीसरे महीने में आपके पास बंगलों की, तमाम बड़े शहरों में आपके पास बंगले होंगे, चौथे महीने में आपके पास प्राइवेट जेट में आप विदेश की यात्रा कर रहे होंगे, और जब आप इस भ्रम से बाहर आएंगे तब आप पाएंगे कि आपका पाव भाजी का जो ठेला था वो भी बिक चुका होगा, और जब आप जिनको आपने आगे बकरा बनाया है वो आपका पाव भाजी बनाने के लिए आपको खोज रहे होंगे, तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत, चार पंक्तियां, तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि पांच क्लास पढ़े हो या हो अंग उठा छाप, आप तो दिनों में ग्रेजुएट आपको कराएंगे। वाह, पांच क्लास पढ़े हो या हो अंग उठा छाप, आप दो दिनों में ग्रेजुएट आपको कराएंगे। बड़ी सोच रखो बोल घुमाएंगे गोल गोल, बड़ी सोच रखो बोल घुमाएंगे गोल गोल, कुछ ही दिनों में आप कार भी चलाएंगे। जिन खुद के भी पास नहीं पीएम आवास पर, खुद के भी पास नहीं पीएम आवास पर, बड़े बड़े बंगलों के सपने दिखाएंगे, बड़े बड़े बंगलों के सपने दिखाएंगे। और खाते में नहीं है 2000 रुपये भी, और बातों से करोड़पति सबको बनाएंगे, बातों से करोड़पति सबको बनाएंगे। मैं दो पंक्तियां देना चाहता हूँ, मुझे हम तो समय की कमी है, मुझे आदेशित किया गया है कि समय को ध्यान में रखते हुए कविता पढ़ें। मैं सीधे सीधे अपने आखिरी पंक्तियों पर आता हूं। जी स्वागत है। मैं दो पंक्तियां देना चाहता हूं। मैं मेरा नाम दीवाना क्यों है, आपकी हंसी उठे तो तालियां में तब्दील करना, कि इश्क में चोट एक नहीं हजार खा के बैठे हैं, इश्क में चोट एक नहीं हजार खा के बैठे हैं, और मैंने बड़े प्यार से दिया था सैंडल गिफ्ट उसे, उसी सैंडल से मार खा के बैठे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। साला दीवाना बनने की प्रक्रिया ही मार खाने से शुरू होती है। वैसे तुम इसी लायक हो। दीवाना बनने की प्रक्रिया ही मार खाने से शुरू, पिछले जमाने में जब दीवाने मार खाते थे तब लैलाएं गाती थी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, अब तो लैलाएं ही पत्थर बरसा रही है। वाह, तो हम क्या करें। मैं कविता रखता हूँ कि हमारी भी एक प्रेमिका हुआ करती थी जो हमें रोज कूटा करती थी, माना कि दिखने में वो विपाशा थी लेकिन जुल्म सितम की असली परिभाषा थी, माना कि दिखने में वो विपाशा थी जुल्म सितम की असली परिभाषा थी, पहली मुलाकात में तो वो मेरी बाबू सोना बन गई, बाद में मेरी जिंदगी के लिए कोरोना बन गई। आए है, वाह 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 वाह। पहली मुलाकात में तो वो मेरी बाबू सोना बन गई, बाद में मेरी जिंदगी के लिए कोरोना बन गई। मैंने कहा प्रिय तुम बात बात पे लड़ती हो, हर समय उससे झगड़ती हो, कभी तो प्यार से देखकर मुझे मुस्कुराया करो, इस भूखे दीवाने को कभी तो कुछ बनाकर खिलाया करो। सही बात है, इस भूखे दीवाने को कभी तो कुछ बनाकर खिलाया करो, उसको मुझ पे प्यार आया थोड़ा नहीं बेशुमार आया,
उसको मुझ पे प्यार आया थोड़ा नहीं बेशुमार आया। कहने लगी कभी आओ मेरे ठिकाने में, मेरे घरौंदे मेरे आशियाने में, और गजब की दावत दूंगी तुम्हें, मजा आ जाएगा खाने में। वाह, गजब की दावत दूंगी तुम्हें, मजा आ जाएगा खाने में। मैं अगले दिन उसके घर पहुंचा, थोड़ा शर्माया थोड़ा सकुचा, लेकिन मैंने क्या देखा, मेरे स्वागत में खड़ा उसका बापू था, जो इस सदी का सबसे बड़ा डाकू था। वाह, मैंने क्या देखा, मेरे स्वागत में खड़ा उसका बापू था, जो चंबल का सबसे बड़ा डाकू था, मेरी हड्डियों को चूना समझ के मसल दिया उसने, वो खाता बहुत तंबाकू था। हाँ, क्या बात है। मैं जैसे तैसे उसके घर से निकला, मेरी पीड़ित देह ने दर्द उगला, मैंने कहा ए सुरपड़खा, तूने तो लक्ष्मण का ही नाक कटवा दिया, तूने क्या कम सितम कर रखा था जो अब बाप से भी पिटवा दिया। तूने क्या कम सितम कर रखा था जो अब बाप से भी पिटवा दिया। वो उल्टा मुझ पे भड़की जैसे एक बिजली कड़की, वो उल्टा मुझ पे भड़की जैसे एक बिजली कड़की। कहने लगी तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे कोई नाम नहीं है। उसकी वही बात मेरे दिल पर आ लगी और मैं उसी वक्त से काम पर जा लगा। मैं दिन रात काम करता रहा, वो सुबह शाम ब्यूटी पार्लर जाती रही मेरे पैसों से। मैं दिन रात काम करता रहा, वह अपना हर शौक पूरा करती रही मेरे पैसों से। मैं दिन रात काम करता रहा, वो अपना बैंक बैलेंस जमा करती रही मेरे पैसों से। मैं दिन रात काम करता रहा, वो किसी और से शादी करके चली गई उसी बैंक बैलेंस के पैसों से। बस उसी दिन मेरे मन में एक बात आई। हाँ। बस उसी दिन मेरे मन में एक बात बच्चा आई, है छोटा बच्चा है, कि ये आधुनिक प्यार मोहब्बत सब ढकोसला है, ये कुछ नहीं बस चार दिन का चोचला है। अरे अब तो मुझे एक ही मोहब्बत सच्ची लगती है, जो एक माँ अपने बच्चे से करती है। एक माँ अपने बच्चे से करती बहुत है। बहुत बढ़िया भाई। तब मैं वो चार पंक्तियाँ देकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। है जग में जितने भी शब्द, मैं उन शब्दों का सार लिख देता हूँ। है जग में जितने भी शब्द, मैं उन शब्दों का सार लिख देता हूँ। स्नेह ममता को समेट कर मैं उसका आकार लिख देता हूँ। और कहते हैं माँ शब्द एक महाकाव्य से भी बड़ा होता है। और कहते हैं माँ शब्द एक महाकाव्य से भी बड़ा होता है। तो बस मैं उस माँ शब्द को बार बार लिख देता हूँ। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। शब्द से सारा संसार लिख देता।